अगर आप ट्रू कॉलर पर लॉगिन करते हो और लॉगिन करते टाइम आपको इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, सो गाइस ये प्रॉब्लम आपको क्यों शो होता है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कर सकते हो, सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है, क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है। इतना करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पर अपने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप इन्फो, आपको इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले परमिशन वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करना है। परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ सारी परमिशंस को अलाउ कर रखा है। इस तरह से आपको भी अपने ट्रू कॉलर की सारी परमिशंस को अलाउ करना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है। वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैशअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। स्टोरेज एंड कैचा को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्लियर कैचा वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस क्लियर कैचा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ट्रू कॉलर का कैचा क्लियर करना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ वापस आना है और फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ मोबाइल डेटा एंड वाईफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद अगर आपके ट्रू कॉलर पर यह बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन ऑफ है, सो गाइस आपको इसे ऑन करना है और फिर उसी के नीचे आपको अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको भी इसे भी ऑन करना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है और फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपने ट्रू कॉलर को फोर्स स्टॉप करना है। ट्रू कॉलर को फोर्स स्टॉप करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है ट्रू कॉलर, और फिर ट्रू कॉलर सर्च करने के बाद आपको देखना है कि आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है। अगर आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने ट्रू कॉलर को अपडेट कर लेना है। कई बार हम सालों तक अपने ट्रू कॉलर को अपडेट नहीं करते, जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, सो आपको अपने ट्रू कॉलर को अपडेट करना है। और इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट, रिफ्रेश या रिबूट, जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है वो करना है। इतना करने के बाद जब आप अपने ट्रू कॉलर को ओपन करोगे और इस पर लॉगिन करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपने ट्रू कॉलर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।